वेलकम टू माय चैनल टीसीडी। आज मैं आपको बता रही हूँ हरे मटर को स्टोर करना कि किस तरह से आप इसको स्टोर करेंगे तो आप साल भर मटर का मज़ा ले सकते हैं। क्योंकि इस टाइम सर्दी है तो मटर सस्ते हैं, तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं ताकि आप साल भर ताज़े मटर का मज़ा लें। इसके लिए मैंने ये लिए 1.5 किलो मटर है। मटर को मैंने अच्छे से छील लिए, लेकिन आप भी ध्यान रखिए जो मटर होते हैं उसमें मटर जो है साबुत मोटे वाले दाने होना चाहिए। इसमें जो छोटे हरे और जो बारीक मटर होते हैं उन्हें आप हटा दें, और जो सड़े गले जो मटर हैं वो सिर्फ फ्रेश मटर देखिए जिसका साइज़ बिल्कुल एक सा हो वो रखिए। और 1 चम्मच है शक्कर, 1 चम्मच नमक है। मैंने एक पैन लिया है, उसमें पानी गर्म करने रखा है। उसमें मैं ये नमक डाल दूँगी, पानी बहुत उबल रहा है, उसी के साथ ये नमक उबल गए। शक्कर इसलिए डालेंगे तो इससे क्या है कि जो मटर का कलर है वो ग्रीन ही बना रहेगा, मटर का कलर ख़राब नहीं होगा। ये अब इसमें शक्कर डाल देती हूँ। अब इसको बस इसमें आचा उबाला गया है पानी में, अपन को इसको मटर को गलाना नहीं है। बस इसको मटर डालने के बाद मटर डाल दिए मैंने, ये जो गैस है वो बंद कर देती हूँ। ये देखिए अब अपन के जो मटर जो है, बस जो ऊपर मटर आ गए हैं आप उनको इस तरह से निकालिए और एक कुछ छलनी में डालते जाइए। ये देखिए इसके जो मटर का कलर है वो भी एज इट इज़ है जैसा था, और अपने जो मटर हैं वो भी पूरी तरीके से इसमें से ऊपर आ गए हैं। ये देखिए अभी इसको जो है पूरा पानी निथार के एक किचन टॉवल या एक मलमल का कपड़ा लीजिए और उसको फैला के पहले पूरा पानी निथर जाए, फिर उसके बाद बताती हूँ क्या कर। देखिए ये मटर जो है इसको अच्छे से ऐसे फैला दीजिए पूरे, ये जब तक ठंडे हो जाए और इसका जो पानी है वो पूरा सूख जाए। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए हमारे मटर ठंडे हुए हैं और उसका पानी भी पूरी तरह सूख गया है। अब आप इस टाइप के जिप लॉक बैग लीजिए, ये देखिए ये यहाँ से होते ना, अगर आप लोग ये हैं, अगर आपके पास ये भी ना हो तो अपनी जो इस टाइप के पॉलीथीन्स रहती हैं सब्ज़ी वगैरह सामान आता है ये वाली पॉलीथीन्स ले सकती हैं, या इस टाइप की ट्रांसपेरेंट कोई भी पॉलीथीन हो साफ हो और बाहर पानी वाली हो उसको लेकर आप इस टाइप में भर के इसको रख दीजिए। बताती हूँ आपको किस तरह से, ज़्यादा जितना उसमें है छोटे उसमें करके रखेंगे तो अपन को कम की ज़रूरत होती है, तो कम ये छोटे पैकेट में करके रख लें ऐसे फैला कर और उसको फ्रीज़र में रख दें, तो इससे आप साल भर तक अपने ताज़े मटर का मज़ा ले सकती हैं। ये देखिए इसमें मैंने ये रख दिया है। देखिए अब मैं ये बताती हूँ, एक इस टाइप की थैली ले लीजिए, ये देखिए ये वाइट है, इस टाइप की थैली ले लीजिए आप। ये देखिए इस तरह से आप पॉलीथीन लीजिए, इसमें भरिए और इसके इस टाइप के जो रबर बैंड आते हैं, ज़्यादातर सबके घरों में रबर बैंड रहते हैं। आप तो सोचें इस जिपलॉक वाली पॉलीथीन नहीं है तो क्या करें, तो इस टाइप की थोड़ी मोटी पॉलीथीन लीजिए इस टाइप की, और इसमें ये रबर बैंड तो ज़्यादातर सभी घरों में होते हैं, और इसको टाइट करके लगा लीजिए। ये देखिए इसको टाइट लगाना है ताकि उसमें जो है एयर नहीं जाए। ये देखिए इसको फ्रीज़र में रखना है, इसको फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीज़र में रखना है इसको। इसकी थोड़ी जो एयर है वो भी निकाल दीजिए ऐसे कर कर, इसको फैला कर ऐसे रख दीजिए। और जो दूसरे हैं ये इस टाइप का और बैग है मेरे पास एक, मैं भी ये जो बचे हुए मटर हैं वो भी इसमें भर के रख दूँगी। और अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया हो तो मैं लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।